जब आप दूर थे उस दौरान कई लोगों ने ये कहा कि पार्टी में जो कुछ हुआ है, जो एक टूट हुई है, एक घटक चोलक चला गया, आपके चाचा उसमें शामिल हैं, उसके बाद जिस तरीके से वो बंगला जिसमें आपके पिता की यादें आपसे जुड़ी हुई थी, आप बोलते थे कि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनली भी कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, कई लोगों ने कहा कि वो सब कुछ होने में केंद्र सरकार की एक भूमिका थी, और उसको क्या आपने माफ़ कर दिया है, कई लोग ये सवाल पूछते हैं। भाई पहली बात तो ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई कभी थी ही नहीं, मेरी लड़ाई घर गाड़ी बंगले की नहीं हो सकती ना, मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, मेरी एक लंबी लड़ाई है। आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, युवा बिहारियों को उनका हक अधिकार दिलाने को लेकर, मुझे अगर सिर्फ एक बंगले को लेकर लड़ाई लड़नी होती तो भाई मैं 2020 में चुपचाप मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, उनसे समझौते कर लेता, बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, ये परिस्थितियाँ ही नहीं आती। पर मेरी वो लड़ाई नहीं है, मैं एक बड़े लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, तो इसीलिए पहली बात वो घर कभी लड़ाई में था ही नहीं, उस घर का मैं हकदार भी कभी नहीं था। वो जिस कैटेगरी का हाउस है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी लेवल्स बहुत हाई होने चाहिए, मेरे पिता ने उतनी मेहनत की तब वो उस घर के हकदार हुए, तो इस बात को मैं कभी मान के भी नहीं चल रहा था कि सेकेंड टाइम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं उस घर का हकदार हो सकता हूँ। तो ना वो घर की लड़ाई थी, परिवार पार्टी में टूट की जहाँ तक बात आई, मैंने कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार माना ही नहीं, मेरा मानना है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने अगर मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो इस परिवार को तोड़ सकती या इस पार्टी को तोड़ सकती, तो वहाँ पे धोखा मुझे मेरे अपनों से मिला तो किसी दूसरे या तीसरे पे मैं क्या ही उंगली उठाऊं। तो इसीलिए मेरे जहन में कभी ये सब रहा ही नहीं कि भाजपा ने ये किया या प्रधानमंत्री जी ने खामोश रहे उस दौरान, क्योंकि जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे तो कोई दूसरा भी मेरे साथ खड़े होकर उस वक्त क्या ही कोई कर लेता। तो इसीलिए ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी जहाँ पर मैं इनमें से किसी को भी जिम्मेदार मानूँ, और इसीलिए मेरे चेहरे पर मेरे भाव में मेरी बातों में कभी भाजपा या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कभी कोई ऐसी बातें उस दौरान निकली भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों को ज़िम्मेदार इसके लिए माना ही नहीं। दुनिया ज़रूर मानती है, दुनिया आपको प्रवोक करने के लिए कई बातें करती है, बट मुझे पता है कि हकीकत क्या थी और उस वक्त क्या चीज़ें कैसे हुई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष निर्भी निरंतर।